जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB ALP ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म बाकी लोगों की गलतियों से सीख करके भरना है। क्योंकि गाइस ऑलरेडी मैं इसके बारे में काफ़ी वीडियो फॉर्म फिलअप की बना चुका हूँ, बट यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी सारे कैंडिडेट अलग अलग गलती करते हैं, तो फिर ऐसे में उसका अपना एक अलग ही मजा है, अपना एक अलग ही स्वैग है कि आप लास्ट में एक वीडियो बनाए जिसमें कि जो बाकी कैंडिडेट ने गलती की है उन सभी की गलती से सीख करके आप अपने फॉर्म को बिल्कुल मिस्टेक फ्री भरे और जो लोगों ने गलतियां दोहराई है वो आप न दोहराए। इसलिए वीडियो स्पेशली फाइनली आपके लिए बनाई जा रही है इसको लेकर के, जिसमें कि सभी सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे टाइम टू टाइम से मतलब है कि जहां पर जिस पॉइंट पर जो प्रॉब्लम आ रही है उसका आंसर आपको वहीं पर दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है, ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आपको पता ही है कि 5696 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है जिसकी लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 है, और यहां पर किस RRB के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने यहां पर इसके बारे में फॉर्म फिलअप की वीडियो अलग अलग बनाई हुई है। मोबाइल से भरना चाहते तो आप इस वीडियो को देख करके भर सकते हैं। अभी यहां पर आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि जो गलतियां बाकी कैंडिडेट कर रहे हैं उनको कैसे आपको इग्नोर कर के उन सभी का सॉल्यूशन पाके इस फॉर्म को भरना है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आप यहां पर आइएगा और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिएगा, देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपके सामने यहां पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, ये सभी आप चेक करते हुए यहां पर टिक करेंगे आई हैव डाउनलोडेड द डिटेल्ड CN नंबर 1/2024 एंड देन फिर आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। तो सबसे पहला सवाल है कि आर यू करंटली डिब्रेड बाई एनी RRB RRC, यानी कि आप क्या आप RRB या फिर RRC के द्वारा ब्लैकलिस्ट या फिर निकाले गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है हैव यू अंडरगोन LASIK के सर्जरी और एनी सर्जिकल प्रोसीड्यूर टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर यस करना है। बेसिकली ये सर्जरी से आप अगर आप गुजरे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है कि क्या विकलांग है, अगर आप विकलांग है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो आप यहां पर अगर आप इंडियंस हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहां पर जो भी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करेंगे वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो जो आपका फुल नेम है पहले तो आप ये एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और फिर आपको यहां पर रीटाइप फुल नेम में अपना नाम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। हैव यू चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी है, पहले जो भी आपका ईयर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहां से गाइस आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है एंड देन फिर यहां से आपको डे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर रीटाइप करनी है। रीटाइप अगर आपके सामने यहां पर कैलेंडर नहीं आ रहा है तो आप खुद से टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूं। पहले आप यहां पर डे लिखेंगे, फिर जो भी आपका ईयर है वो आपको यहां पर जो आपका मंथ है वो आपको यहां पर डालना है। इसके बाद में गाइस यहां पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोबारा जेंडर को सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे एंड देन फिर जो आपका फादर नेम है ये भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है एंड देन फिर आपको फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। और फिर इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। ये दो बार आपसे इन्फॉर्मेशन इसलिए मांगी जा रही है ताकि आप कोई गलती ना करें और बाद में आपको एडिट का ऑप्शन मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से जानकारी को यहाँ पर चेक करते हुए भरना है। अब आता है आधार वेरिफिकेशन, एंटर योर आधार कार्ड नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर टिक करेंगे, जहां पर आपको यहां पर एक मैसेज देखने को मिलेगा कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर, RRB विल नॉट शेयर योर आधार डिटेल विद एनी थर्ड पार्टी और यूज देम और एनी पर्पज अदर देन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस CN। तो यहां पर गाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करें, नहीं तो आप यहां पर वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहां पर जैसे आप वेरीफाई आधार के ऊपर क्लिक करते तो आपके सामने यहां पर ये वाला इंटरफेस आएगा, आपको बोला कि माय आधार डिटेल आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, यानी कि अगर आपकी आधार की डिटेल वही है जो कि आपके 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है तो आप यहां पर इसको टिक करेंगे एंड उसको टिक करने के बाद में यहां पर आपको नीचे टिक करना है और वेरीफाई करना है। बट अगर आपकी आधार की डिटेल अलग है और 10th की मार्कशीट के अंदर आपकी डिटेल अलग है तो आपको यहां पर डिटेल्स एज पर आधार देनी है, यानी कि आधार के अंदर आपका फुल नेम क्या है
है वो देना है, आधार के अंदर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो देनी है, और जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। आधार वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड आपका कैसा हो उसका आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर कम से कम एक कैपिटल लेटर इंग्लिश का, कम से कम एक स्मॉल लेटर इंग्लिश का, और स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे एंड देन फिर गाइस उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने एक बार फिर से यहां पर दी गई है। अभी भी आपके पास मौका है, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई डिटेल गलत भरी गई है, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके अभी भी उसको एडिट कर ले। नहीं तो आपको अगर लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप आई हैव रीचेक्ड दी अबाउट डिटेल एंड फाउंड करेक्ट यहां पर टिक करेंगे एंड फिर आप क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद में आपको यहां पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहां पर साइन इन करना है, आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो आप डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में गाइस आपके सामने यहां पर इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर सिलेक्ट द आरआरबी फॉर यू फॉर विच यू विश टू अप्लाई, यानी कि कौन से आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपको एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कौन से आरआरबी के लिए कितनी वैकेंसीज है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहां पर ये सिलेक्ट करना है। तो चलिए मुझे यहां पर अप्लाई करना है, मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं जो मेरे नजदीक पड़ता है उसको, तो यहां से मैं सिलेक्ट करने वाला हूं चंडीगढ़, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहां पर गाइस आपको आपकी पोस्ट देखने को मिलेगी, आपको इसके ऊपर टिक करना है, फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर ये जानकारी चेक करने के बाद में कुछ और जानकारी देनी है, जिसमें कि यहां पर मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहां पर टिक कर देंगे। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे कि यहां पर एक सवाल आता है कि डू यू विश टू अवेल फी एग्जामिशन, यानी कि जो छूट मिलती है क्या वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। जैसे कि मैंने यस किया, अब मैं यहां पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अब आते हैं चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जाम, तो आप एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। इन सभी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, पर वो आपका तभी आएगा जब आप सिलेक्ट करेंगे, तो मैं यहां से हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूं। परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान होती है, ये मार्क आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है बट परमानेंट मार्क होना चाहिए, तो आप इस मार्क के बारे में लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी, तो आप नो मार्क लिखेंगे, क्योंकि यहां पर ये ऑप्शन फिल करने अनिवार्य है। जैसे कि यहां पर मेरी बॉडी के ऊपर एक ही मार्क है, सेकंड मार्क नहीं है, तो सेकंड वाले में मैं यहां पर नो मार्क लिख रहा हूं। अब आती कम्युनिटी, तो आपको यहां पर आपकी कास्ट कैटेगरी बतानी है, जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं यहां पर एससी सेलेक्ट करता हूं तो आता है ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी एसटी, यानी कि यहां पर सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग आप यहां पर जानकारी भरेंगे। अब आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है, तो ये जो आपको पहले ही बता दिया मैंने कि सेंटर का चलेगा, तो मैंने यहां पर सर्टिफिकेट नंबर डाला। इश्यूंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, तो इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा आपका सर्टिफिकेट जनरली जारी होता है जो कि यहां पर मेंशन की गई है, तो इनमें से कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है। आपको आपके सर्टिफिकेट पर जहां मोहर लगी होती है वहीं पर देखने को मिल जाएगा कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है, उसी की पोस्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा। इशू डेट, तो इशू स्टेट आपको यहां पर बताने की किस स्टेट के द्वारा इशू हुआ है, वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है कि डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, यानी कि जो छूट मिलती है फ्री रेल ट्रेवल के लिए, अगर आप उसको अवेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको यहां पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको यहां पर देखने को मिलेगा अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है और साइज 500 केबी से कम होना चाहिए। तो आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें, ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, और जहां पर आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का वो आपको सेलेक्ट करना है। यहां से इसको इस तरह से ओपन करके सेव पर क्लिक करना है, तो आपका सर्टिफिकेट इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब आते हैं पोस्टल एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे। पहले आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो आपको सेलेक्ट करनी है। एड्रेस आपका क्या है वो यहां पर आपको डालना है। विलेज टाउन सिटी कौन सी है वो आप यहां पर लिख देंगे, और जो आपका पिन कोड है वो आपको यहां पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहां पर नीचे टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके
करके अलग से भर दीजिएगा परमानेंट एड्रेस, और फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी डिटेल आती है, जहां पर एक्स सर्विसमैन पूछा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है कि आर यू एन ई बी सी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है आपके सामने डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, अगर आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर नो किया। फिर अगला सवाल है कि नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर यहाँ पर आपको बताना है करंट डिपार्टमेंट, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं अभी तो आपको बताना है कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर करें, सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू, अगर नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक कर देंगे। फिर आता है डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, अगर आपने एक्ट अप्रेंटिस किया तो आप यस करें। यस करने के बाद में आपको नेम ऑफ द ट्रेड बताना कि किस ट्रेड के अंदर की है, ट्रेनिंग फ्रॉम डेट बतानी है, ट्रेनिंग कब तक की है वो बताना है, और सर्टिफिकेट नंबर देना है, और सर्टिफिकेट की डेट भी देनी है। बट अगर आपने नहीं की है आपकी अप्रेंटिस तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद में बैंक डिटेल आपको देनी है, जो कि रिफंड मिलती है फीस एससीएसटी को उसकी, और बाकी कैंडिडेट को भी मिलेगी। तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, किसके नाम पे बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको देना है, अकाउंट का नंबर देना है, नंबर को दोबारा डालना है अकाउंट के, और आईएफएससी कोड देना है जो कि आपको पासबुक के ऊपर मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आप सेव करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास तीन विकल्प है, तो आपको यहाँ पर आना है नीचे की तरफ, और सबसे पहले दसवीं की जानकारी देनी है, दसवीं किस स्टेट से किया वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट से किया वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड के द्वारा किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर खुद से लिखना है, और डेट ऑफ पासिंग भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से पहले आपको जो भी आपका ईयर है वो सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से जो भी आपका मंथ है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ से डे, एंड देन गाइज यहाँ पर रोल नंबर आपको बताना है, जो भी टेंथ का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन की जानकारी ऐड होगी। अब आपको क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर फिर से क्लिक करना है और बताना है कि आप आईटीआई के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, या फिर एनएसी के, या फिर थ्री ईयर डिप्लोमा के, या फिर डिग्री के, तो जिसके माध्यम से भी अप्लाई कर रहे हैं वही क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैंने आईटीआई सेलेक्ट की है, तो फिर आपको बताना कि कौन से ट्रेड के अंदर आपकी आईटीआई है, इन्हीं में से किसी ट्रेड में होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल होंगे। फिर आपको स्टेट बतानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा की है, डिस्ट्रिक्ट बतानी है, एंड देन फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है जहाँ से आपने आपकी जो आईटीआई है वो की है। इसके बाद में गाइज आपको डेट ऑफ पासिंग भी बतानी है कि कब आपने आपकी ये जो आईटीआई है वो पास कर ली थी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आपका जो ईयर है वो सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन फिर यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनसीबीटी या फिर एससीबीटी, किसके द्वारा की हुआ है जारी वो आप बताएंगे, और फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट टाइप क्या है, एनटीसी या फिर एसटीसी, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करें, ये जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री भी है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेम तरीके से, नहीं तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन है, जहां पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आप देख लीजिए कि आपके फोटो का पिक्सल 320x240 रखा है, और फोटो का बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, साइज 30 से 70 केबी के बीच में रहना चाहिए, फोटोग्राफ टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फी पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन, यानी कि आपको सेल्फी नहीं लेनी है, पासपोर्ट वाले आपको प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवाना है, और वही आपको यहां पर अपलोड करना है। सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, और आपका जो फोटो का साइज का पिक्सल है वो यहां पर आपको दिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको आपका इमेज बनाना है। आप यहां पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करें, और जहां पर आपका इमेज है वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, एंड देन फिर आप यहां पर इसको ओपन करेंगे तो आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको इसको जूम इन जूम आउट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, और फिर जब आपको लगे कि सही है तो आप यहां पर ग्रीन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन आपका फोटो यहां पर इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर आपकी साइन की फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है, एंड देन फिर यहां से आप इसको ओपन करेंगे, और यहां से आप इसको भी एडजस्ट कर लेंगे। फिर आप अपलोड एंड सेव इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने ये इंटरफेस है, जहां पर है एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ सीबीटी 2, यानी कि जो आपका सीबीटी 2 है उसका आपको यहां पर ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो मैंने फिटर से अप्लाई किया, मैं फिटर सेलेक्ट करता हूं। इसके बाद में यहां पर आपको आता है पोस्ट एंड जोन प्रेफरेंस विद द सिलेक्टेड आरआरबी, जो भी आरआरबी आपने सेलेक्ट किया है उसमें आपको प्रेफरेंस के ऑप्शन दिए हैं। तो यहां पर आपका आरआरबी चंडीगढ़ है, तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप क्लिक है टू चेंज आरआरबी जोन इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर एक ही है, मैं इसको टिक करता हूं, यहां पर टिक करता हूं, इसके बाद में यहां पर भी आपको टिक करना है, एंड देन कहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उस सिटी का नाम आपको देना है, एंड देन फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे,
और आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। आपने शुरू से लेकर के अभी तक जो भी जानकारी भरी है एक बार फिर से चेक कर लीजिए एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है यहाँ पर टिक कीजिए एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर आना होगा। तो आपको देखने को मिल रही पेमेंट की जानकारी इस तरह से। अब आपको पे नाउ के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके अभी भी इस जानकारी को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तभी आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई एनएफटी यानी कि इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी और यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगी सक्सेसफुली तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। गाइज अगर बाई चांस आपकी फीस अकाउंट से कट हो जाए और अपडेट न हो तो आपको ऐसे में दोबारा से फीस जमा नहीं करनी, वेट करना है 24 से 48 घंटे के अंदर, इस समय के अंदर आपकी फीस अपडेट हो जाएगी या फिर आपको रिफंड कर दी जाएगी। सो इस तरह से गाइज आप इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।